डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ग्लोबल डिजिटल डिवाइड जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी डिजिटल डिवाइड की और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि डिजिटल डिवाइड की दो टाइप्स हैं ग्लोबल डिजिटल डिवाइड एंड जेंडर डिजिटल डिवाइड ग्लोबल डिजिटल डिवाइड क्या है ग्लोबल डिजिटल डिवाइड दरअसल जो नॉर्थ एंड साउथ में डिस्पैरिटी है इंटरनेट एक्सेस की उसको कहते हैं या हम इसको ये कहें कि जो अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इंटरनेट बिटवीन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इसको हम ग्लोबल डिजिटल डिवाइड कहते हैं अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो वी से दैट ग्लोबल डिजिटल डिवाइड टू वर्ल्ड वाइड डिफरेंसेस स्पेशली बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग नेशंस इन एक्सेस टू कंप्यूटर and information resources such as the internet as well as the possibilities that come with such access to agar hum global digital divide ke kuch statistics dekhe to hame pata chalta hai ke 2020 mein jo world population ki uh, agar hum baat kare to 100% से भी ऊपर सब्सक्रिप्शन uh, है mobile phone की और अगर हम इसको देखें यही figure डेवलप्ड वर्ल्ड में तो ये 133% परसेंट है मगर अगर हम इसको डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए देखें तो ये 99% परसेंट है और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ये 74% परसेंट है यानी 100 अगर लोग हों तो अगर वो डेवलप्ड वर्ल्ड में रह रहे हों तो उनकी जो मोबाइल फ़ोन सब्सक्रिप्शन है वो 100% परसेंट से भी ऊपर है एक सौ फीसद है और डेवलपिंग वर्ल्ड में ये निन्यानवे फ़ीसद है मगर जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हैं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये सेवेंटी फोर परसेंट है और अगर हम इसको हिस्टोरिकली कंपेयर करें लास्ट टेन ईयर्स के डेटे को तो हमें पता चलता है कि जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थे वो टू थाउजेंड अलेवन में फोर्टी टू परसेंट उनकी सब्सक्रिप्शन थी मोबाइल टेलीफोनी की और तब से अब तक ये बड़ी तो है मगर अभी भी तमाम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में और अगर हम बात करें इंटरनेट एक्सेस की तो हमें पता चलता है कि 3G और 4G जो सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड में 84 परसेंट लोगों को 4G सर्विस अवेलेबल है अगर हम बात करें अफ्रीका की तो ये जो 4G सर्विस है वो सिर्फ 44 परसेंट जो है पापोलेशन को अवेलेबल है और ये अरब स्टेट्स में 61 परसेंट है और एशियन पैसिफिक में 94 परसेंट है और यूरोप में ये 97 परसेंट है तो ये डेटा क्लियरली बता रहा है कि जो यूरोप जो बेसिकली डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें जो है 4G सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है और अगर हम इसको डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो और वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा के डेवलप्ड वर्ल्ड uh, में 4G सब्सक्रिप्शन uh, 97% परसेंट है जबकि डेवलपिंग वर्ल्ड में 82% परसेंट है और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये ओनली 40% परसेंट है तो ये डेटा भी हमें क्लियरली बता रहा है ये जो आई टी यू टेक्नोलॉजी यूनियन का 2021 का डेटा है ये हमें क्लियरली बता रहा है कि 4G सब्सक्रिप्शन जो है वो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड वर्ल्ड अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस एट होम टिल 2019 तो हमें पता चलता है कि जो दुनिया की आबादी है जो अर्बन वर्ल्ड है वो 72 टू परसेंट है दे है कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस एट देर होम्स बट रूरल पॉपुलेशन हैव 37 परसेंट एक्सेस तो एक तो ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है ग्लोबल लेवल पे ये आपको क्लियरली बता रही है कि एक बहुत बड़ी डिस्पेरिटी है इंटरनेट एक्सेस में और सेम इज़ केस विद द कंप्यूटर एक्सेस एज वेल और अगर हम इसको कंपेयर करें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड के कॉन्टेक्सट में तो हमें नज़र आता है कि डिवेलप्ड वर्ल्ड में एटी परसेंट एक्सेस है एट होम इंटरनेट की और 84 परसेंट एक्सेस है कंप्यूटर की और डेवलपिंग वर्ल्ड में ये 81 परसेंट है और इंटरनेट की एक्सेस और कंप्यूटर एक्सेस 66 परसेंट है मगर जब हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो ये बहुत कम यानी 28 और 25 परसेंट है और कंप्यूटर एक्सेस 17 परसेंट है तो यहाँ पे भी आ, हमें एक क्लियर डिस्पैरिटी नज़र आ रही है डिवेलप्ड तो डिवेल्पिंग और लीस्ट डेवलपिंग डेवलप्ड वर्ल्ड में हमारा जो नेक्स्ट डेटा है वो है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग द इंटरनेट इन 2019 और ये इसमें हम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं कि हम देखें कि यूथ को कितनी एक्सेस है तो ये देखें अगर वर्ल्ड में देखें तो 69 परसेंट ऑफ द यूथ हैव एक्सेस टू द इंटरनेट अगर हम वर्ल्ड लेवल पर डेटा देखें और अगर हम यही देखें डेवलप्ड वर्ल्ड में तो ये फिगर 98 परसेंट बन जाता है एज़ कंपेयर्ड टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो कि 38 परसेंट है और डेवलपिंग वर्ल्ड में भी ये काफ़ी कम है जो कि 66 परसेंट है तो यूथ जो है और जो उसको जो इंटरनेट एक्सेस है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग एंड लीस्ट डिवेलप्ड वर्ल्ड तो ये हमें क्लियरली बताती है के जो एक्सेस अगर नहीं होगी तो उसका यूजेज कैसे होगा उसका अफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा तो एक्सेस इज द मेन सिग्निफिकेंट फैक्टर व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द यूजेज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट